ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित हैं और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर, पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है, अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये या 1000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सीमा में